हेलो एवरी वन दिसकम बी स्पोकन इन विंटर इन बोथ इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेजेस एंड देरली मेड इड प्रसिएशन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सर्दियों में बोले जाने वाले इंग्लिश जो आपकी रोज़मर्रा गुफ्तू को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप सर्दियों में बोले जाने वाले इंग्लिश और उनकी खूबसूरत प्रोनंसिएशन सीख सकें और अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बना सकें सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताके आपको मजीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। स्टार्टेड ऑडियंस फर्स्ट सेंटेंस विच वी कोल्ड हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं बर्फ जैसे ठंडे होना टर्निंग आई सी कोल्ड The winter has set in. The winter has set in. Set in से मुराद शुरू होना किसी सीजन का आगाज होना या सूरज का निकलना वगैरह के लिए भी हम सेट इन का वर्ड यूज करते हैं सर्दी शुरू हो चुकी है इट इज वेरी कोल्ड टूडे इट इज Very cold today. आज बहुत सर्दी है I am feeling cold. I am feeling cold. मुझे ठंड लग रही है see my breath in the air. I can see my breath in the air. मुंह से धुआं निकल रहा है मुंह से धुआं निकलने से मुराद सर्दी की वजह से मुंह से जो भाप सी निकलती है उससे हम कहते हैं धुआं निकलना वेयर यूर ग्लव्स वेयर यूर ग्लव्स दस्ताने पहन लो इट इज वेरी कोल्ड आउट साइड इट इज वेरी कोल्ड आउट साइड बाहर बहुत सर्दी है कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट Cover yourself before you go out. Jab niklo, to khud ko se dhampo. Zip up your jacket. Zip up your jacket. Apni jacket ka zip bandh Next sentence which we have here is this. Are you feeling cold? Are you feeling cold? क्या तुम्हें सर्दी महसूस हो रही है या क्या आपको सर्दी महसूस हो रही है आई नीड अ स्वेटर आई नीड अ स्वेटर मुझे स्वेटर चाहिए हाउ इज द वेदर हाउ इज द वेदर मौसम कैसा है ही हैज runny nose. ये तौर पर बोला जाने वाला सेंटेंस है He has a runny nose. Runny nose से मुराद नाक बहना उसकी नाक बह रही है या उसे जुकाम है या फ्लू है It is foggy or misty today. It is foggy or misty today. Fog या mist से मुराद धुंध होता है आज धुंध है आई एम शिवरिंग आई एम शिवरिंग मैं कांप रहा हूं माई फिंगर्स आर गोइंग नम माई फिंगर्स आर गोइंग नम यहां पर बी साइलेंट है वर्ड नम में बी साइलेंट है नम मेरी उंगलियां सुन हो रही हैं उंगलियां सुन होना या ठंडी पड़ जाना नम। फुट ऑन योर स्वेटर फुट ऑन योर स्वेटर स्वेटर पहन लो My हील्स आर क्रैकिंग My हील्स आर क्रैकिंग मेरी एड़िया फट रही हैं एडिये एडियों के फटने को इंग्लिश में क्रैकिंग कहते हैं योर लिप्स आरप्ड योर लिप्स आर अचैड तुम्हारे होंठ खुश्क हो रहे हैं चैप्ड से मुराद होंठ खुश्क होना या होंठ फटना तो so, हम चैपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं अप्लाई लिप बाम अप्लाई लिप बाम लिप बाम लगाओ मॉइस्टराइजर यूर स्किन मॉइस्टराइजर यूर स्किन अपनी जल्द को थोड़ा तर करो यानी कोई लोशन वगैरह अप्लाई करो आई खेच कोल्ड वेरी ऑफन आई खैच कोल्ड वेरी ऑफन मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है नेक्स्ट सेंटेंस विच वी हैव हियर इज दिस आई स्नीज अ लॉट व्हेन आई कैच कोल्ड आई आई स्नीज अ लॉट व्हेन कैच कोल्ड सर्दी की वजह से मुझे बहुत चींके आती हैं चींके आना स्नीजिंग स्नीजिंग चींके आना आई हैव सोअर थ्रॉट आई हैव सोअर थ्रॉट मेरा गला खराब है आई हैव बैड कफ आई हैव बैड कफ मुझे बहुत ज्यादा खांसी है कफिंग हम खांसी को कहते हैं लेट्स बास्क इन दास्क इन द सन बास्क सिराद धूप सेकना चलो धूप सेकें कीप द किड कीप द किड वॉर्म बच्चे को गर्म रखें गिव मी द क्विल्ट गिव मी द क्विल्ट क्विल्ट हम बेसिकली रजाई को बोलते हैं रजाई दो मुझे लेट्स सिट बाय द फायर प्लेस लेट्स सिट बाय द फायर प्लेस चलो आग के पास बैठते हैं यू मस्ट wear द एयर You यू मस्ट the द एयर basically एयर बेसिकली कानों को सर्दी से बचाने के लिए ढकने वाला ग्लू बंद होता है कंपोश जरूर पहनो इसको कंटोप भी कहा जाता है वेयर आर माई ग्लव्स एंड सॉक्स वेयर आर माई ग्लव्स एंड सॉक्स मेरे दस्ताने और जुराबे कहाँ हैं ऑडियंस यहां मैं आपको बताती चलूँ। सॉक्स और स्टॉकिंग्स हमारे पास दो टर्म्स होती हैं ये एक ही तरह की दो मुख्तलिफ चीजों का नाम है सॉक्स हम कहते हैं छोटे छोटे मोजे जो कि आपके एंकल्स को कवर करते हैं जबकि स्टॉकिंग्स बेसिकली आपकी लेग्स तक कवर कर रही होती है और ये नीज तक जा सकती हैं पुट ऑफ योर ग्लव्स पुट ऑफ योर ग्लव्स पुट ऑफ उतारना अपने दुस्ताने उतारो इट इज आउटसाइड इट इज स्नो आउटसाइड बाहर बर्फबारी हो रही है वट इज टूडेज टेम्परेचर व्हाट इज टूडेज टेम्परेचर आज का दर्जा हरारत क्या है दिस स्वेटर डज नॉट कवर अप द कोल्ड दिस स्वेटर डज नॉट कवर अप द कोल्ड ये स्वेटर सर्दी को नहीं रोक रहा सर्दियों में दिन छोटे होते हैं द डेज आर शॉर्टर इन द विंटर द डेज आर शॉर्टर इन द विंटर द फ्रीजिंग रेन increasing द कोल्ड द फ्रीजिंग रेन इंक्रीजिंग द कोल्ड जमा देने वाली बारिश ठंड में इजाफा कर रही है आई एम बास्किंग आई एम बास्किंग मैं धूप सेक रहा हूं मेक माई बेड वॉम मेक माई बेड मेरा बिस्तर गर्म कर दें डियर ऑडियंस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा टेक केयर टिल दैट टाइम